मेरे आदरणीय दादा दादी और नाना नानी, आपने हमें बचपन में ढेर सारी कहानियां सुनाई थी जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम आपके लाडले, हमारे शब्दों में कुछ विशेष और हमारी भावनाओं के साथ तो पेश है नवमी कक्षा के छात्रों द्वारा एक विशेष प्रस्तुति। आजी म्हणजे दरारा असतो, आजी म्हणजे शहारा असतो, कुठलेही पाऊल चुकत नाही, नजरेचा खडा पहारा असतो। आजी आमचे होकायंत्र आहे, तिचे शब्द आम्हाला मंत्र आहे, विचारत नेहमी गुरफटतो आम्ही, ती मात्र अजूनही स्वतंत्र आहे। आजी म्हणजे दडपण आहे, आजी म्हणजे प्रेम पण आहे, पाहता शनी डोळ्यात भरणारे घराचे बारदस्त घर पण आहे। स्वराज घडविले शुभाने पण लढविले बाजीने आहे, जन्म आई वडिलांनी दिला संस्कार दिले आजीने आहे। घरटे साजिरे बनविले तिने जे ते आम्ही वाढवणार आहे, नसा नसात वावरणार हा तिचाच आत्मविश्वास आहे। आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी पोयम गाई, सच्ची में हमारी आजी हमसे बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव अ पोयम बाय आशी जैन फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। दादा दादी नाना नानी सारे जग से न्यारे, सबसे अच्छे सबसे सच्चे मुझको लगते प्यारे, पापा मम्मी करे नौकरी दोनों ऑफिस जाते, घर में उनके मम्मी पापा अत नहीं घबराते, रोज सवेरे बस्ता लेकर मैं भी पढ़ने जाती, पापा आते 8 बजे तक मैं जल्दी आ जाती, दादाजी को मैं शाला की नियमित हाल सुनाती, इसी समय खाना टेबल पर गरम गरम आ जाता, दादा दादी नाना नानी साथ हमारे खाते, और बीच में खाने के वे बातें खूब बनाते, बच्चों सी वे बातें करते अपने बचपन वाली, शाला की घर की शादी की बातें सब निराली, कभी कभी मम्मी पापा की बातें भी वे करते, लेकिन उनकी बातें करने में लगते हैं डरते, बात बदल देती हूँ तब मैं या फिर शोर मचाती, या अगले दिन की मैं अपने होमवर्क ले आती, क्या होता है क्यों होता है बात सभी हम जाने, लेकिन जानबूझकर हरदम बनते हैं अनजाने, अपने मन में सोच रही हूँ खूब बड़ी बन जाऊं, सेवा करके मैं इन सबकी जीवन सफल बनाऊं, धन्यवाद। वाह वाह क्या बात है आशी, तुमने तो अपने खुशखुशाल परिवार को यह दृश्य मान कर दिया जिसकी नींव है अपने दादा दादी और नाना नानी। तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा व्यंजन बताने जा रहा हूँ जिसके बिना मेरा भोजन तो अधूरा ही है, वो है दादी माँ के हाथों से बनाया हुआ चटपटा अचार। तो चलिए हम कुछ रेसिपी उन्हें परोसते हैं और जानते हैं उनके नुस्खे जिससे वह भोजन बहुत स्वादिष्ट बना पाते हैं। Thank you.
एकदम परफेक्ट सो एवरीबॉडी इफ यू वांट दिस
dish to make at your homes, please, as fast as possible, you can make this dish. So, if you like my dish, please tell me. Thank you. इतनी प्यारी प्यारी रेसिपीज देख मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। दादी माँ तुसी ग्रेट हो। ये छोटे बच्चों को भी ना अपनी दादी माँ से पूछने के लिए ना जाने कितने सवाल होते हैं। So let us proceed and see what these little children want to ask to their grandmother. Hi, किम छो? आमारा बात छे तो बाप हमें बता जानवा मांगे छे तुम्हारी लाइफस्टाइल ना बारे में तो प्लीज जनावो। हमें गुजरात पाटण में रहवा वाला हमने त्यानु वतन अमारु बहु गमे हमें ता ना 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 मोटा त्या थया छिए हमने भणवा मां भी ता मजा आवे त्यानी स्कूलो भी गवर्नमेंट ने सात धोरण सुधी चाले पछि आगळ जवू होय तो मोटे हाईस्कूलो मां जवू पड़े अमारे भणवा मां सात धोरण थी आगळ मे भण्या नथी सात धोरण सुधी ज भण्या छिए अने ए पछि अमे डिप्लोमा कोर्स जेम के 7 क्लास मे कर्यो छे એમાં હું સેકન્ડ ક્લાસ પાસ થઈ છું મને સિલાઈ કામ સરસ આવડે છે હું સિલાઈ કામ કરી શકું છું અત્યારે પણ અને મારે જર્નીમાં મારી બહેનપણીઓ બધી અમે સાથે મળીને હરવા ફરવા જઈએ હળી મળીને બધા કામ કરતા હતા હળી મળીને 7 ક્લાસ બી કર્યો અને મેં એમ્બ્રોઈડરી પણ કર્યું છે 3 મહિનાનો કોર્સ કર્યો છે મને એમ્બ્રોઈડરી પણ આવડે છે આજના જમાનામાં આજના છોકરાઓને આવું બધું ઓછું ગમે એ લોકોને મોબાઈલ બહુ ગમે એમાં એના કરતાં છોકરાઓએ ભણવામાં બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ અત્યારનું એજ્યુકેશન બહુ હાર્ડ છે જો એ ધ્યાન ન રાખે તો સારા માર્ક્સે પાસ ન થઈ શકે એટલે એને ધ્યાન એમાં બરાબર દેવું જોઈએ અને જો એ કીધું ન કરે તો છોકરાઓ પાછળ રહી જાય ભવિષ્યમાં એ આગળ ના આવી શકે વાત તમારો એવું કેવું છે કે આપણે છોકરાઓએ વધારે મહેનત કરીને સારા ટકા લાવવા જોઈએ હા એ વધારે મહેનત કરે સારા ટકા આવે તો સારા આગળ બહુ ભણે બહુ આગળ જઈ શકે એને કોઈ તકલીફ ન પડે આગળ જવામાં એને મદદરૂપ પોતે જાતે કરવું જોઈએ ધન્યવાદ My girl. Can I ask you some questions? Sure. Yes. Nana, what did you do when you were small after coming from school? Oh, after school. Those were the wonderful days. I just used to wait to come home and eat hot hot food which my mom used to cook and keep ready for me. And you know what I used to do? My mother used to go to sleep in the afternoon. I used to sneak out from there and I used to go and play. Not like y'all. Nowadays y'all come from school and then y'all go for tuitions and classes. Y'all don't have any time to play and to enjoy your life. But we had lot of time for playing our games and we had lot of fun. Nana, tell me the most memorable moment of your life. Oh, that day, I can never forget. I was coming back from school. I saw some beautiful flowers on the way. I thought of plucking some. And you know what I did? I left my bag at the side and I went to pluck some flowers. When I came back, I saw that my bag was missing. I was very scared. Now what will happen? Those days we used to get terrible fatkas. Whatever mother used to find, they used to take chappal, jhadu or belan. And that most terrible thing is that cane from Bandra Fair. I came home. My mother found that my bag was missing. She asked me, where is your bag? And she got so angry. She took that Bandra Fair cane and she gave me solid pasty, which I will never forget. Nana, now tell me, how were your days in summer? Oh, summer holiday? Summer holidays were dhamal. We used to get up early in the morning and we used to have our breakfast and run out to play. Not
not like yours, sleeping till 10 and 11 o'clock. We used to play outdoor games more. We used to run barefoot, you know that? We never had slippers and all those days. Ew, I'll never do that. But you don't know, that was a very nice time we had. कितना अच्छा लग रहा है आज तो. अक्सर हम तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर को मिलना चाहते हैं, परंतु आज तो हमारे संसार के सबसे बड़े और अमूल्य सेलिब्रिटी यानी कि दादा दादी और नाना नानी हमारे साथ है. क्यों मित्रों, मैंने सही बात की ना? स्वीट मेलोनी, आई एंजॉयड अ लॉट. मुझे तो मेरी दादी माँ की याद आ गई. दादा दादी, आपको तो पता ही होगा कि हम अब ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऐसे ही नवी के छात्र आर्य पवार ने अपनी दादा दादी से वीडियो कॉल से बात की है. तो चलिए सुनते हैं आर्य पवार अपनी दादी से क्या वार्तालाप कर रहा है. मेरा नाम है आर्य पवार. आज मैं आपको मेरी दादी से मिलाना चाहता हूँ. मैं उनसे उनके साथ तो अभी नहीं रह पाता, पर अभी मैं उनको वीडियो कॉल से हर रोज संपर्क करता हूँ. मिले मेरी दादी से. अजी बोल. नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम शालिनी लक्ष्मण पवार है. मैं आर्य की दादी हूँ. मैं लॉकडाउन की वजह से रत्नागिरी में है. आर्य हमारा बहुत प्यारा लड़का है, बहुत बचपन से बहुत मस्ती भी करता था और बहुत लाला भी है. हमारा सबका ही प्यारा लड़का है. मेरा आर्य बहुत अच्छे. आप सब मेरी दादी से मिल ही चुके हैं कि मैं क्या क्या करता था बचपन में. तो मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा. धन्यवाद. भले ही हम अपने दादा दादी और नाना नानी से दूर रहते हैं, परंतु उनका स्नेह हमसे कभी दूर नहीं होता. जो हमने आर्यन और उसकी दादी का ऑनलाइन वार्तालाप देखा, अब हम सुनने जा रहे हैं दादा दादी पर कुछ विशेष काव्य पंक्तियां अवनी जैन द्वारा. तो सुनते हैं. क्या कोई नहीं कर सकता हमें प्यार माँ बाप से ज्यादा? नहीं, वो करते हैं ना हमें सबसे ज्यादा. मेरे दादा दादी मुझसे सबसे अधिक प्रेम है करते. वे मेरे लिए पूरी दुनिया से है लड़ते. मेरी हर ख्वाहिश मानो उनका ख्वाब बन जाता. मेरी हर ख्वाहिश मानो उनका ख्वाब बन जाता. मेरी एक मुस्कान देख उनका पूरा दिन खेल जाता. बचपन से उन्होंने रखा मुझे अपने दिल के पास. भगवान से भी ज्यादा दादा दादी है मेरे लिए खास. दादी की कहानियों ने हमें सीख दी जीवन जीने की, और दादा के तजुर्बे ने हर दुख को खुशी से घोट के पीने की.
सारे जहान की खुशियाँ मेरे पलकों पर रख दी। उन्होंने मुझे अपने पराए की परख दी। सर आँखों पर रखकर प्यार किया है मुझसे कि सर आँखों पर रखकर प्यार किया है मुझसे और हमेशा कहा कभी दूर ना होना तुम हमसे और हमेशा कहा कभी दूर ना होना तुम हमसे। मेरे दादा दादी मुझे हर रूहानी जन्नत से भी है परे। मेरे दादा दादी मुझे हर रूहानी जन्नत से भी है परे। वे मेरे लिए हर समय हर पल वे मेरे लिए हर समय हर पल इस पूरी दुनिया से है लड़े इस पूरी दुनिया से है लड़े। हम सबको अपने दादा दादी के साथ फोटो खिंचवाने का बहुत शौक होता है, तो चलिए अब देखते हैं इन बच्चों ने अपने दादा दादी के साथ जो फोटो खिंचवाए हैं वो। Today is the International Grandparents Day. I like to sing a song for my grandma. My name is Damir Meerzomani from Standard 8. So cute, Damir.
आपकी दादी मान गई कि नहीं? मान ही गई होगी, हमारे दादा दादी का दिल पिघल ही जाता है। आठवीं की छात्रा प्रगति भोसले अपने नाना की सबसे लाडली है। प्रगति भोसले ने अपने नाना के साथ कुछ बातें की है, तो चलिए अब हम प्रगति की बातें सुनते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम प्रगति भोसले ऑफ स्टैंडर्ड 8A। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे आई वुड लाइक टू रिसाइट पोयम इन हिंदी फॉर माई ग्रैंडफादर मिस्टर काशीनाथ भोसले, जिनकी गोदी में बैठ के दुनिया भूल जाते हैं, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीख जाते हैं, कभी घोड़ा तो कभी हाथी बनवा के उनसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाते हैं। कितने प्यारे होते हैं नाना जी, जो हम पर ढेरों प्यार लुटाते हैं। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट माई ग्रैंड फादर टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। मला खूप स्वतःला अभिमान वाटतो की माझी नात प्रगती माझा खूप आदर करते व सर्व कुटुंबाचा आदर करते व शाळेत चांगला अभ्यास करते व सर्व मुलांशी चांगली वागते। मी सर्व स्कूलचा व टीचरचा प्रिन्सिपल यांचा मी आभार मानतो। फक्त आपली स्कूल आजी आजोबांचा कार्यक्रम केला जातो म्हणून सर्व मुलांना आजी आजोबांचा आदर वाटतो। थँक्यू। I am very glad that you are always with me, and thanks for being so supportive. For us, you have read a lot of things. Now, at this age also, you go for work and also leave me in school at early morning. Behind our success, your hard work is there. Thank you so much for being with us. Thank you. तो यह देखा ना मित्रों, प्रगति के दादा का उसके प्रति स्नेह। प्रगति की बहन यानी स्वाति भी दादाजी की उतनी ही लाडली है, जो हमारी एमपीजा स्कूल में एसएससी में द्वितीय आई है। धन्यवाद दादाजी। चलिए देखते हैं कि काव्या अपने दादा दादी के साथ क्या कर रही है। हेलो। हाँ बोल। हाँ सीरियसली, प्रेस वाले हमारा इंटरव्यू ले गए? हाँ मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। हाँ 10 मिनट में आती हूँ। तो देखा ना मित्रों, काव्या के दादा दादी उससे कितना स्नेह करते हैं।
टू गुड काव्या, दादी की कहानियों ने जो हमें सीख दी वो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दादा दादी का महत्व हमारे जीवन में सबसे अहम होता है। तन मन धन सब अर्पण करके जो गुरुदेव रिझावे रे, तन मन धन सब अर्पण करके जो गुरुदेव रिझावे रे, ब्रह्मानंद भव सागर दुस्तर सो सजे तर जावे रे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। तो अब हम देखने जा रहे हैं हमारे स्कूल के कुछ छात्रों द्वारा बनाई गई प्यारी चीजें। Now we are going to have the grand finale program organized by Standard 10th. It is a continuous 18 minutes program. So without any delay, let's start it.